चलो, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। मतलब कुल मिलाकर हमने लास्ट टाइम जो है रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म से लेकर बेबी के बर्थ तक की पूरी मैकेनिज्म पढ़ी थी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आप कहो कि सर मान लो कि हमने ये तो देखो, आपको ये तो पता है कि जायगोट कब बना था, जब एक एग स्पर्म के साथ फ्यूज होकर जायगोट बना था, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ था। अब आप ये कहो कि सर फर्टिलाइजेशन हो ही ना, एग को स्पर्म मिले ही ना, तो क्या होगा? तो अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता, ठीक है, पहले तो ये समझो, एग ओवरी से निकलता है और ओवरी में निकल कर एक दिन फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है स्पर्म का। किसका? स्पर्म का। अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइज कर लेता, फर्टिलाइज करके वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वो सीधा जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एग जाइगोट में कन्वर्ट हो गया तो फीमेल प्रेग्नेंट ही हो जाएगी, बच्चा होना तय है, नहीं। उस जाइगोट को एम्ब्रियो तक पहुंचने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। हर जाइगोट एम्ब्रियो वाली स्टेट तक 90% तो जो जाइगोट बनता है, एग मिलते हैं, स्पर्म और एग मिल जाते हैं दोनों, जाइगोट भी बनता है हर बार, 90% केसेस में बनता ही बनता है। लेकिन 90% जो जाइगोट बनते हैं वो एम्ब्रियो की स्टेज तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो तक पहुंचते ही, मतलब यूट्रस में जाके खुद को इम्प्लांट ही नहीं कर पाते। ये बात समझ में आ रही है सर? तो देखो, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। देखो, ये हमारा ओव्यूम है, एग, ये वाला क्या था? एग। ये देखो, स्पर्म के साथ बहुत सारे स्पर्म्स इसके चारों तरफ आ रहे हैं और स्पर्म के साथ मान लो एक एग, मतलब एक स्पर्म के साथ एग हमारा फ्यूज हो गया। क्या हो गया? फ्यूज। देखो यहाँ पे दोनों की फ्यूजन हो गई। ठीक है, देखो गौर से, अगर तुम डायग्राम देखोगे ना बच्चों, तो तुम्हें पता चलेगा कि ना इस वाले केस में क्या हो रहा था, एक एग को चारों तरफ से स्पर्म ने घेर रखा था। ठीक है, एग को क्या कर रखा था? चारों तरफ से स्पर्म ने घेर रखा था। फिर समवॉट हाउ एक स्पर्म जो है के अंदर घुस गया और वहां पे उनका फ्यूजन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फ्यूजन। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक अपने न्यूक्लियाई को कंबाइंड कर दिया, एग ने अपने न्यूक्लियाई को स्पर्म के न्यूक्लियाई के साथ क्या कर दिया? कंबाइंड, दोनों के न्यूक्लियस मिल गए। किसके? एग के और स्पर्म के न्यूक्लियस मिल गए, और मिलने के बाद एक सिंगल सेल बनाया बेटा, जाइगोट। उस सिंगल सेल को हम क्या कहेंगे? जाइगोट बनाया। अब वो जायगोट खुद को दो में डिवाइड करेगा, दो के चार, चार के आठ, ऐसे करते जाएगा, एक मोरीला स्टेज आएगी, बहुत सारे सेल्स की बॉल्स बन जाएगी, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर इम्प्लांटेड, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट होने लग जाएगा यूट्रस में। लेकिन ना जायगोट तो बहुत सारे केसेस में बन जाता है, जब भी मेल फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, मेट करते हैं, तो जायगोट कई केसेस में बन जाता है। लेकिन बहुत सारे जाइगोट जो है यहां तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं, कई कारणों की वजह से मर जाते हैं या यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या रीजन से? बड़ी क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा, समझ में आ रही बात? बहुत सारे जो कारण हैं, कई कारण हैं जिनकी वजह से जाइगोट यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन वो एम्ब्रियो तक कन्वर्ट होकर यूट्रस में इम्प्लांट ही नहीं हो पाया, इसीलिए क्या होता है, बेबीज हर केस में प्रोड्यूस नहीं होते। हम तो बात ये कर रहे हैं कि वो जो जस्ट मिनट, अब एग क्या करता है, ओवरी के अंदर फैलोपियन ट्यूब के आकर एक दिन इंतजार करता है। ठीक है, इसका स्पर्म का। अब उसे स्पर्म मिला ही नहीं, जब स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो एग था ना खुद को डिजनरेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? डिजनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी टाइम पे देखो बेटा, जो तुम्हारे यूट्रस की वॉल्स थी, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, यूट्रस की वॉल्स क्या करती है, हर महीने खुद को थिक करती है, मोटा कर लेती है, और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आके जुड़ जाती है। किसमें? यूट्रस की वॉल्स में। ये प्रिपरेशन की थी यूट्रस ने किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, कि एम्ब्रियो आएगा और मेरे अंदर आके इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, समझ रहे हो? इस महीने फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एग क्या करेगा, खुद को डीजनरेट करेगा, वो जो यूट्रस की वॉल्स थी उनको भी डीजनरेट करेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, डीजनरेट करेगा। उसको जब डीजनरेट करता है तो गर्ल्स में पीरियड क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है,
गर्ल्स नो बेटर कि क्या होता है पीरियड क्रैम्प्स, पेन होता है उस टाइम पे, पीरियड से पहले ही पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, जब यूट्रस की वॉल्स खुद को क्या करती हैं, डीजनरेट करती, खींच के ना जो ब्लड वेसल्स वगैरह बनाई थी वो सब डीजनरेट, खराब करना शुरू कर देती है। तैयारियां की थी ना एग ने, मतलब यूट्रस ने, ठीक है, क्या तैयारियां की थी, खुद को मोटा कर लिया था, वो बहुत सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठी कर ली थी। अब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है ना, एग को स्पर्म मिला नहीं, तो एग खुद भी डीजनरेट हो गया, मतलब खराब होने लग गया एग, और यूट्रस की बॉल्स को भी खराब करने लग गया, खींचने से लग गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस बॉल्स जो हैं खुद को ब्रेक करने लगती हैं और पीरियड क्रैम्प्स नजर आते हैं फीमेल्स में, ठीक है। और फिर ये डीजनरेटेड एग, ठीक है, डीजनरेटेड एग और वो यूट्रस बॉल्स, यूट्रस की बॉल्स की जो प्रिपरेशन थी थिक लाइनिंग और वो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल सबकी सब डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है, और ब्लड की फॉर्म में, ठीक है, ब्लड की फॉर्म में वजाइना से बाहर आती हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो। और मेंस्ट्रुअल फ्लो स्मूथली हो सके इसीलिए उस ब्लड में थोड़ा बहुत म्यूकस भी होता है, ठीक है। तो अब मेंस्ट्रुएशन होती कब है, तो बहुत गौर से समझना, जिस दिन एग ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है उस दिन को बोलते हैं ओव्यूलेशन। सुनो गौर से, जिस दिन एग ओवरी से निकलकर कहां आता है, फैलोपियन ट्यूब में, उस दिन को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन वाले दिन क्या होता है कि वो स्पर्म का इंतजार करता रहता है, स्पर्म आया नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद लगभग लगभग आपको वो मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि वो ब्लड जो वजाइना से निकल रहा है वो देखने को मिलता है ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद, कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो मान लो किसी फीमेल का ओव्यूलेशन 1 तारीख को हुआ, तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 14 या 15 तारीख को स्टार्ट होगी, मतलब ब्लड जो है उसकी बॉडी से जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं वो 14 या 15 तारीख को देखने को मिलेगी। क्लियर ये पॉइंट सबको। अब क्या होता है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है, 3 to 5 डेज होता है। एक बार आप एनसीईआरटी रेफर कर लेना फिर भी। तो किसी फीमेल की लाइफ में जब पहली बार उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मतलब उसे मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उस दिन को मिनार्क कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मिनार्क। और किसी फीमेल की लाइफ में जब लास्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस दिन को बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक, क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में क्या होता है, अब ओवरी से एग निकलेगा ही नहीं, ओवरी में जितने एग थे सब मैच्योर होके बाहर आ चुके हैं, अब वो निकलेंगे ही नहीं, पॉइंट क्लियर है सबको। अब तो मिनार्क क्या दर्शाता है, मिनार्क पहले तो होता कब है, तो किसी भी लड़की की लाइफ में मिनार्क उसकी प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है, 12 से लेकर 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसी भी लाइफ, फीमेल की लाइफ का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, और मिनार्क ये दिखाता है कि अब ये लड़की जो है बेबीज, किड्स प्रोड्यूस करने के लायक होने लगी, हुई नहीं, ठीक, मतलब अब ये रिप्रोडक्शन के लायक हो चुकी, इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मेनोपॉज तो किसी भी वुमन की एज में 45 to 55 इयर्स में होता है मेनोपॉज, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है इसका, मेनोपॉज का मतलब ये होता है कि अब ये फीमेल जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो फीमेल की एज में कब वो बच्चे पैदा कर सकती है और वो कब नहीं कर सकती, ये टाइम डिसाइडेड 12 से शुरू होता है, 55 मैक्सिमम 55 पे आके 55 इयर्स पे आके खत्म हो जाता है। अब मेल्स की बात करते हैं, तो मेल्स क्या है भैया, इनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट तो होता है प्यूबर्टी से 14 से लेकर 16 साल तक की उम्र में, लास्ट लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर बच्चे पैदा करने लायक होते हैं आदमी, इसीलिए 90-90 साल की उम्र में भी शादी करके बेबीज देखने को मिल जाते हैं आपको इनके, ठीक है। चलो, तो एक टॉपिक है जो बेटा ना मैंने गलत थोड़ा सा पीछे लिखा है, तो मैं उसको यहाँ क्लियर करते जा रहा हूँ। देखो ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, बाद में ये रिलेट नहीं करेगा जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, तो आप उस टाइम पे इस पे ध्यान मत देना, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं स्टार लगा देता हूँ। अब इस स्टार का ये मतलब भी है कि इम्पोर्टेंट भी है और ये ट्यूबरक्टोमी से रिलेटेड नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 3 नंबर में 2 नंबर में पूछता है आपसे। तो ये एक इवेंट, मतलब एक सीक्वेंस है कुछ इवेंट्स की, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ओवरी में, दोनों ओवरी में से जिस
किसी एक ओवरी का एग सबसे ज्यादा मैच्योर होता है, मैच्योरेशन ऑफ एन ओवियम, यानी एग का मैच्योर होना, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग मैच्योर होता है, दूसरे नंबर पे वो मैच्योर्ड एग फैलोपियन ट्यूब में आता है ओवरी से निकलकर, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तीसरे नंबर पे क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लड बाहर आने लगता है, डीजनरेटेड फॉर्म, एग की डीजनरेटेड फॉर्म विद यूटेरल वॉल्स जो कि बाहर आती है वजाइना से, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, वो होता है, और ये मिलकर एक साइकिल बनाती है, खुद को रिपीट करने लगती है, हर 28 से 30 दिन के बाद ये चीज फिर रिपीट होती है, ठीक है, हर 28 टू 30 डेज के बाद ये चीज एक वुमन में रिपीट होती है, फिर एग रिलीज होता है, ठीक है, पहले फिर एग मैच्योर होता है, फिर वो रिलीज होता है, फिर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो, फिर 28 दिन 30 दिन के बाद क्या होता है, एग रिलीज हुआ, नहीं मैच्योर हुआ, रिलीज हुआ और मेंस्ट्रुअल फ्लो, एक साइकिल बन रही है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये चीज चलती रहती है, चलती रहती है, तो क्या बनाती है साइकिल, और इस तरीके की साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ लेगा। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो देखो अब ना कई बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या उसके बॉडी से ओवरी से एग निकलता है, तो सुनिए आप इस चीज का आपको आंसर मिल जाएगा। इफ द ओव्यूम गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, तो एक जायगोट बनता है और जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म तक कोई एग रिलीज नहीं होता, नीदर एन एग इज रिलीज फ्रॉम कोई एग रिलीज नहीं होता, नॉर मेंसुरेशन टेक्स प्लेस, और ना ही मेंसुरेशन होती है, ऑब्वियस सी बात है, मेंसुरेशन क्यों होती है, जब एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो वो एग बॉडी से बाहर निकलता है डीजनरेटेड फॉर्म में, जिसकी वजह से मेंसुरेशन होती है। अब जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो एग निकला ही नहीं, जब एग निकला ही नहीं तो मेंसुरल फ्लो होगा ही नहीं, तो मेंसुरेशन होगा ही नहीं, समझ में आ रही बात, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है तब तक मेंसुरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है एक रिप्रोडक्टिव पर्सन का, एक ऐसा बंदा जो रिप्रोड्यूस करने के लायक है, उसका हर एस्पेक्ट में वेलबींग होना, हर एस्पेक्ट से उसका ठीक होना, वो फिजिकली इमोशनली सोशली, है ना, हर तरीके से क्या हो, ठीक हो, मतलब फिजिकली भी ठीक हो, हाथ पैर और पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस काम करते हो, ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनल हो, है ना, इमोशनली ठीक है, इमोशनली इमोशनली भी ठीक हो वो, है ना, और सोशल बिहेवियर, उसका सोशल बिहेवियर भी आसपास के लोगों से अच्छे से बिहेव करता हो, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलबींग ऑफ अ रिप्रोडक्टिव पर्सन। अब रिप्रोडक्टिव पर्सन को खुद की हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वो चीजें क्या हैं, जैसे कि भैया उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना वगैरह खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, है ना, जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए, अल्कोहल वगैरह ये सब चीजें जो है इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, सिगरेट्स अल्कोहल बीडीज वगैरह इनका कंजप्शन बिल्कुल करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है ताकि स्टेमिना बढ़े उनका, ठीक है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, तो ये सब करके, और योगा वगैरह प्राणायाम वगैरह खुद को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना, वो मैं नीचे आपको सबसे लास्ट के चैप्टर के एंड पे डाल दूंगा कि किस तरीके से एक रिप्रोडक्टिव जो हेल्दी पर्सन, मतलब रिप्रोडक्टिव पर्सन है, मतलब कि तुम्हारी उम्र का बच्चा है या आगे तक का जो इंसान है वो खुद को सही रख सकता है। फिर फीमेल्स के केसेस में क्या होता है कि उनको अपने मेल फीमेल दोनों के केसेस में ही रहता है कि प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन वगैरह रखना है, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, स्पेशली फीमेल के केसेस में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा केयर एंड हाइजीन की जरूरत होती है, ठीक है, क्लास 8 में आपने ये सब पढ़ रखा है, स्टिल ठीक है, एज अ टीचर और मेंटर जो है मैं आपको फिर भी दे दूंगा ताकि आप अगर भूल गए हो या आपको ढंग से नहीं पढ़ाया गया था या आपने ढंग से नहीं पढ़ा था व्हाटएवर, है ना, या कहीं आपको उस चीज का एक्सपोजर ही नहीं मिला,
सब चीजें जो है मैं आपको वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या, एनसीईआरटी का बहुत सारा पार्ट जो है ना मैंने स्किप किया हुआ है, तो मैं वो वाली लाइनें पढ़ पढ़ के ना आपको थोड़ा सा क्लियर करना शुरू करूंगा बच्चों, है ना। कि अब क्या होता है ना कि जब आपकी बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्यूबर्टी की एज है, वहां पे आपकी जनरल बॉडी ग्रोथ चल रही होती है, हाइट वेट सब बढ़ रहा है आपका, साथ ही साथ आप सेक्सुअली भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये वो टाइम होता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपको बैलेंस डाइट वगैरह लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब नहीं तराजू पे बराबर बराबर करके खाने में, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, है ना, ऐसा भी नहीं करना। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, है ना, और डाइटरी फाइबर्स मतलब सलाद वगैरह ये सब भी हो। पिज्जा बर्गर नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाउमीन मोमोज नहीं होने चाहिए आपके, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब क्या होता है कि हमारे देश में जैसा कि पहले होता था ना, कि जैसे ही कुछ थोड़ी सी भी ना माँ बाप देखते थे कि मेरे बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी सेक्सुअल मैच्योरेशन आ गई है, तो क्या करते थे, शादी करा देते थे और बोलते थे बच्चे पैदा करो। जैसा कि हरियाणा, राजस्थान, स्पेशली राजस्थान में क्या होता था कि जनरली पेरेंट्स में मेल जो देखता था मेरे बच्चे के दाढ़ी मूछ आ गई है, मम्मी ने भी देखा लड़के के दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो गई है, बस मेरा लड़का जवान हो गया, इसकी शादी करो, बच्चे करवाओ, है ना। गर्ल्स में क्या रहता था, गर्ल्स में भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते थे, ठीक है, तो मदर जो थी वो पेरेंट पापा को थोड़ा सा हिंट दे देती थी कि बेटी जो है वो शादी की उम्र हो गई है, इनकी शादी करो और भेज दो ससुराल, है ना। ऐसा इसलिए करते थे कि तब टैबू टैबू समझते हो ना, हाँ, लोगों के दिमाग में गलत फहमियां वगैरह होती थी कि क्या बोलते हैं कि भाई इस एज में बच्चे कुछ उल्टा सीधा जो है कदम उठा लेंगे, जिसकी वजह से बदनामी होगी, स्पेशली गर्ल्स के केसेस में बहुत ज्यादा होता था, तो जल्दी शादियां करा दी जाती थी, ठीक है। वो ये ध्यान भी नहीं देते थे कि बस मूछे आनी तो स्टार्ट हुई है, मूछे आने का मतलब या फिर थोड़े से गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा, बच्चा ही बोलूंगा मैं तो, 13-14 साल का बच्चा ही होता है, ठीक है, क्योंकि आप खुद को देख लो, आप ही हो वो लोग, है ना, जो बच्चे हैं। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी और माइंड सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होने में और बच्चे पैदा करने के लायक है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो उम्र है ना तो आपकी बॉडी या माइंड सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होने लायक नहीं है। स्टिल पेरेंट्स क्या करते थे, शादी करा देते थे, जिसे हम बाल विवाह का नाम देते थे। अब तो इंडिया ने लीगल एज डिसाइड कर दी है लड़कियों की, आज भी 18 है, 21 आपने गलत सुनी है, अभी उस पर चर्चा चल रही है, ठीक है, अभी भी लीगल एज 18 है और बॉयज की 21 है, बाकी बढ़ा के ये बोला जा रहा है गर्ल्स की 21 कर दो और बॉयज की 24 कर दो। ये 3 साल का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि एक लड़की जो है एक लड़के से 3 साल पहले ही माइंड के एस्पेक्ट से, ठीक है, नॉलेज वाइज भी और बॉडी वाइज फिजिकली भी एक्टिव हो जाती है 3 साल पहले, ठीक है, वो ग्रो हो जाती है, मैच्योर होती है, तो कंपेटेबिलिटी सही बैठे तो इसलिए 3 साल का गैप होता है। अब देखो तो कह रहा हमें कैसे डिसाइड, हम कैसे पता करें कि जो हमारी बॉडी है या हमारा माइंड है इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मतलब शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए तैयार है भी कि नहीं है। तो कह रहा है कि ना इसके लिए देखो, पहले तो ये समझो कि हम लोग ना हर टाइम किसी ना किसी प्रेशर में रहते हैं, एक उम्र में आके हम लोग जो है हर टाइम किसी ना किसी प्रेशर में रहते हैं। पहले तुम्हारी उम्र के लोगों को प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया जाता था, अब वो क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, एक लीगल एज डिसाइड कर दी है, तो अब वो प्रेशर आ जाता है भाई हम जैसे लोगों के, उम्र दराज लोगों, ठीक है, बुजुर्ग नहीं हूं मैं, ठीक है, हम जैसे लोगों पे आ जाता है। तो होता क्या है कि प्रेशर किस टाइप के होते हैं, पहले तो तुम्हारी उम्र के बच्चों की बात करता हूँ, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, पीयर मतलब फ्रेंड, प्रेशर मतलब फ्रेंड का प्रेशर। तो पीयर प्रेशर क्या होता है, तो तुम्हारे दोस्त लोग जो है तुम्हें ऐसी फालतू एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए फोर्स करते हैं जो आप चाहते हो कभी कभी और नहीं भी चाहते हो, और उन फालतू सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होके खुद को बर्बाद कर लेते हो। इसमें आपके फालतू की सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाना या फिर दारू सिगरेट हुक्काबाजी ये सब चीजें कर लेना, ठीक है ना, स्मोकिंग स्मोकिंग में वो आपको इन्वॉल्व कर देते हैं, आप चाहते हो या कभी कभी आप नहीं भी चाहते हो, ठीक है,
पर भाई ये पीयर प्रेशर सबसे बड़ी चीज, दोस्त जारा की पैंट पहन रहा है मैं क्यों नहीं पहन रहा है, दोस्त सिगरेट पी रहा है मैं क्यों नहीं पीऊं, दोस्त दारू पी रहा है मैं क्यों नहीं पीऊं, है ना, दोस्त का वैसा, मुझे भी वैसा ही करना, मुझे भी उतना ही कूल बनना है। तो बन तो तुम रहे हो कूल अपनी नजरों में, और दुनिया तुमको बोल रही है फूल, अंग्रेजी वाला हिंदी वाला नहीं, ठीक है। तो बेटा प्लीज कूल बनने के चक्कर में आप फूल नहीं बनिए उस उम्र में जाके, ठीक है। तो पीयर प्रेशर क्लियर है आपको, आपके दोस्त फालतू सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए प्रेशराइज करते हैं अलग अलग तरीके से, इंसल्ट करके, प्रवोक करके, उसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, ठीक। फिर उसके बाद बड़े हो जाते हो थोड़े से, 22-23-24 साल जब शादी की उम्र में पहुंच जाते हो, लीगल शादी की उम्र में पहुंच जाते हो, नौकरी वोकरी लग जाती है, तो पेरेंट भैया शादी के लिए प्रेशराइज करने लगते हैं, शादी कर शादी कर। उसके बाद फिर बच्चों के लिए प्रेशराइज करते हैं, शादी होते ही बोलते हैं आशीर्वाद शादी वाले दिन ही देते थे, दूधो नाव पुतो फलो, है ना, और जल्दी से खुशखबरी दे दो, ठीक है। तो ये प्रेशर ही एक तरीके का है ना, बार बार प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भाई बच्चे कब होंगे तुम्हारे, हमें खेलना है उन बच्चों के साथ, है ना, हमारे साथ तो खेल लिए पक गए, अब हमारे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है, ये फैमिली प्रेशर है। फिर सरकार क्या कहती है, माँ बाप को बच्चे चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चे, अब ये फैमिली प्रेशर, सरकार कहती है बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है, देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, सरकार कहती है बच्चे पैदा ही मत करो, आबादी बढ़ा रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो अब इन सभी प्रेशर के चक्कर में एक नॉर्मल इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है, तो करे तो करे क्या, है ना, करे तो करे क्या, ठीक है, वो बेचारा कंफ्यूज होके रह जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको फिर नॉर्मली जो है खूब सोच समझ के किस तरीके के फैसले लेने पड़ेंगे कि हमें कब शादी करनी है और कब हमें जो है बेबीज प्रोड्यूस करने हैं। देखो सही चीज तो यही है कि हम एक लीगल एज तक पहुंच जाए, हम अपने पैरों पे खड़े हों, हम खुद का गुजारा कर सकते हैं और हम कैपेबल हों कि दो लोगों को हम और पाल सकते हैं, एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, ठीक है, तभी जो है हमें शादी वगैरह करनी चाहिए और फिर जो है बेबीज के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। ये वो मेथड्स हैं जिन्हें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। तो अब इसमें चार मेन तरीके के मेथड्स हैं जैसे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस कहा जाता है। अगेन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो बहुत ध्यान देना। सबसे पहला मेथड होता है बेटा बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में जिसे हम मैकेनिकल बैरियर भी कहते हैं, बैरियर मेथड को हम मैकेनिकल बैरियर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स में क्या होता है, ये वो फिजिकल डिवाइस होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के यानी प्रेगनेंसी रोकने के, जो स्पर्म फीमेल पार्ट्स तक पहुंचने ही नहीं देते, फीमेल के जेनिटल एरिया में पहुंचने ही नहीं देते, मतलब वजाइना तक जाने ही नहीं देते, और वजाइना में भी चले गए तो ये ओवरी फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जाने देते। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, तो इसमें कॉन्डोम है, हमारा डायफ्राम है और सर्वाइकल कैप्स है, मैंने सबके डायग्राम आपको चिपकाए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लास के बाद ऐसा ना लगे है ये क्या होता है। तो कॉन्डोम जो है मेल के लिए अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी, आप दोनों के डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वाइकल कैप, तो ये कॉन्डोम के बराबर में मैंने जो डायग्राम चिपकाया है वो सर्वाइकल कैप होती है, ये फीमेल में जो है इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है, दिखाया होगा आपको कहाँ पे लगा दी गई है। तो इसमें ना कुछ स्पेशल तरीके का केमिकल होता है जिसे हम स्पर्मीसाइड कहते हैं। इस सर्वाइवल कैप में क्या होता है, वजाइना के अंदर ही रखी जाती है, प्लेस की जाती है फीमेल की वजाइना में, इसके अंदर कुछ स्पेशल तरीके का केमिकल होता है जिसे हम स्पर्मीसाइड कहते हैं, वो स्पर्म को किल कर देता है। तो जैसे फीमेल बॉडी से स्पर्म जाता है ना, तो मेल बॉडी से स्पर्म जाता है तो वो क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। जब स्पर्म ही मर गए तो भैया फिर प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा ही होता है हमारा डायफ्राम। तो सर्वाइकल कैप जो मैंने ऊपर दिखाई थी वो छोटी होती है डायफ्राम के कंपैरिजन की, दोनों दिखती एक सी हैं। तो डायफ्राम,
डायफ्राम कुछ इस तरीके का होता है जो उसने हाथ पे पकड़ रखा है, ठीक है, और क्या करते हैं डायफ्राम को एक कॉन्ट्रासेप्टिक जेली, इसके ऊपर एक जेली लगा देते हैं, मतलब अगेन वही सेम चीज स्पर्मीसाइड जिसे कह रहे हो, एक जेल सा लगा देते हैं स्पर्मीसाइड, और फिर अगेन यही वही वजाइना के पास में जाके प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस, कितना कारगर है ये मेथड मैकेनिकल बैरियर का, तो जब तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम है, 99.99% नहीं है, ठीक है। अगला मेथड है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स में क्या करते हैं कि ना कुछ केमिकल्स की वजह से फीमेल की बॉडी, मतलब फीमेल की बॉडी में कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, फीमेल की बॉडी का हार्मोनल बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग जो है रिलीज ही नहीं होता, जिसकी वजह से एग रिलीज ही नहीं होता। अब वो क्या क्या होते हैं केमिकल मेथड, तो ओरल पे फीमेल को गोलियां दे दी जाती हैं खाने के लिए, जैसे मालाडी सच्ची सहेली के नाम से बाजार में बिकती हैं, ब्रांड है ये, ठीक है, ये गोलियां खिला दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है इम्बेलेंस हो जाते हैं और एग रिलीज ही नहीं होता। जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो भैया फिर फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। अगला क्या है वजाइनल पिल्स, तो केमिकल मेथड में ही अगला जो है वजाइनल पिल्स, ठीक है। तो वजाइनल पिल्स क्या होती हैं, इनको वजाइना में रख दिया जाता है, अगेन ये फिर वही हार्मोनल इंबैलेंस बॉडी का, फीमेल की बॉडी का हार्मोन का बैलेंस बिगाड़ देती हैं, अगेन एग रिलीज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होगा ही। इफेक्टिवनेस, महीने भर की इफेक्टिवनेस होती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं केमिकल मेथड के, तो समझिएगा केमिकल मेथड्स के डिसएडवांटेजेस शुरू हो जाते हैं, ऊपर जो मैंने आपको बताए थे ना बैरियर मेथड, कोई डिसएडवांटेज नहीं है उसका, समझ में आ रही है, बैरियर मेथड का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, बेस्ट माना, सस्ता बढ़िया, ठीक है। फिर नौजिया, नौजिया में क्या है चक्कर वक्कर, मतलब डिसएडवांटेजेस में क्या क्या साइड इफेक्ट क्या होते हैं केमिकल मेथड में, ज्यादा गोलियां वगैरह खाने की वजह से चक्कर वक्कर आने लगते हैं, हेडेक्स होते हैं, ठीक है, क्रैम्प्स वगैरह आने लगते हैं फीमेल्स को, ब्रेस्ट टेंडरनेस और बहुत सी चीजें हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत सारी और डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं फीमेल्स को। तीसरा मेथड क्या है, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस, शॉर्ट फॉर्म में IUCD बोलते हैं, तो मैं लिखना भूल गया, ठीक है, इसे इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस को IUCD बोलते हैं, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, IUCD। तो ये डिवाइस क्या होते हैं, वजाइना के थ्रू यूट्रस में डाल दिए जाते हैं, फीमेल के यूट्रस में इन डिवाइस को प्लेस कर देता है, डॉक्टर करता है, ठीक है। और ये डिवाइस करते क्या है, तो ये डिवाइस जो है सर्वाइकल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले म्यूकस को अल्टर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पाता, इसकी वजह से क्या होता है स्पर्म जो है एग तक पहुंच ही नहीं पाता। ये जो कॉपर टी है ना, कॉपर टी में जो कॉपर होता है, वो कॉपर क्या करता है कि सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल से जो म्यूकस रिलीज होता है उसकी प्रॉपर्टी को बदल देता है, जिसकी वजह से स्पर्म एग तक पहुंचता ही नहीं है, और पहुंच भी गया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इस कॉपर की वजह से मर जाएगा, प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो IUCD में दो एग्जाम्पल है, कॉपर टी और लूप, दोनों दिखते सेम है। कॉपर टी और लूप में फर्क क्या है, कॉपर टी में थोड़ा बहुत कॉपर लगा होता है, जैसा कि आप लेफ्ट वाले डायग्राम में देख रहे होंगे, लूप में कॉपर नहीं होता, दोनों को प्लेस सेम तरीके से करते हैं, बीच में दिखाया हुआ कैसे प्लेस कर देते हैं, देखो वजाइना के थ्रू सर्विक्स होते हुए कहां डाल देते हैं, यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस, 5 साल तक कारगर, 5 साल तक प्रेगनेंसी को रोक, Up to 5 years, up to मतलब होता है तक, 5 साल तक, उसके बाद काम नहीं करेगा, maximum 5 years। Disadvantages, तो भैया आप खुद समझो कि एक हमने कॉपर बॉडी में इंसर्ट करा रखा है फीमेल की बॉडी में, मेटल को इंसर्ट करा रखा है फीमेल की बॉडी में, उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगी यूट्रस में, इरिटेशन होगी वजाइना में, समझ आ रही बात। इसके अलावा
इरेगुलर पीरियड्स वगैरह होने लगते हैं, ठीक है, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा हैवी और लॉन्गर पीरियड्स होने लगते हैं, वुमेन्स में क्रैम्प होते हैं, वर्स क्रैम्प होते हैं फीमेल्स के अंदर, समझ में आ रही बात। और क्या होता है, इंसर्ट कराते टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये नुकसान, ठीक है। अब आता है सर्जिकल मेथड, जिसे परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कहते हैं। तो इसके अंदर दो तरीके का है, एक वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है। तो वैसेक्टोमी, वास डेफरेंस से लिया गया वर्ड, वास डेफरेंस मेल्स में होता है, फीमेल्स में, मेल्स में। तो वैसेक्टोमी क्या है, मेल्स के अंदर की जाती है। इसमें करते क्या है कि मेल के टेस्टिस से जो पाइप निकल रहे हैं, जिसे वास डेफरेंस कहते हैं, दोनों वास डेफरेंस में छोटा सा कट लगाते हैं, कट लगा के सील कर देते हैं एंड्स को, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एंड्स को सील कर देते हैं। बीच में देख रहे हैं आप, पहले कट पाइप हुआ करता था, बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया और दोनों तरफ सील कर दिया। अब यहाँ जो टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा भी वो आगे जाएगा ही, और जब वो आगे जाएगा नहीं तो वजाइना तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इससे आगे निकल ही नहीं रहा है ना, तो प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, है ना, क्योंकि जिसकी वजह से हो रही थी वो आगे जा ही नहीं पा रहा, वो तो मेल बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, फीमेल में तो पहुंचेगा ही नहीं। वैसेक्टोमी में जो रिस्क होती है बहुत लो होती है, ठीक है, और बड़े आराम से डॉक्टर आराम से टेबल प्लेट आएगा, एक थोड़ा सा नशे का इंजेक्शन देगा, एनेस्थीसिया देगा और बस 10-15 मिनट में करके बोलेगा, आधे घंटे में बोलेगा, चलते बनो टाटा वाले, समझ वाली बात। परमानेंट मेथड है, जब तक वैसेक्टोमी हो रखी है इंसान की, बेबी प्रोड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है कपल, ठीक है। अब आप, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्पर्म तो निकल रहा है ना, वो जा कहाँ रहा है ना, स्पर्म निकल रहा है तो जा कहाँ रहा है, तो बेटा होता क्या, बेसिकली सुनो, वैसेक्टोमी होने के बाद जो टेस्टिस ने स्पर्म बनाया है, ठीक है, स्पर्म बनाया है, वो जब आगे जाता है, देखो स्पर्म बॉडी से निकलता क्या है, सीमन, बॉडी से निकलता क्या है, सीमन, समझो चीज को, बॉडी से तो बाहर सीमन निकल रहा है ना मेल बॉडी की, लेकिन भैया ये स्पर्म आगे गया, इसको रास्ता नहीं मिला, ये स्पर्म का स्पर्म ही रह गया, सीमन नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचा ही नहीं, कौन स्पर्म, तो ना इसमें मिलेगा सेमिनल फ्लूइड, ना इसमें मिलेगा प्रोस्टेट फ्लूइड, ठीक है, मतलब ये सीमन बन ही नहीं पाएगा, और स्पर्म को मूव करने के लिए सीमन की स्टेज को आना ही पड़ता है, सीमन बनना ही पड़ेगा, जब वो सीमन बनता ही नहीं है तो बॉडी एक्चुअल में करती क्या, इसी स्पर्म को एब्जॉर्ब करती है और खेल खत्म कर देती है, बाकी फिर आपके जो बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म दे देते हैं कि भैया आप स्पर्म का जो है प्रोडक्शन कम कर दो या ना के बराबर कर दो, ठीक है, तो अगर बन भी रहा है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती जाएगी, खत्म कर, ठीक है। चलो अब आता है ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फीमेल के दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में अगेन भाई छोटे से कट लगाते हैं, फसील कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ओवरी से एग निकलेगा लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब बंद है ना, तो अब फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस तक का रास्ता ही बंद है, तो स्पर्म आएगा भी वजाइना तक, यूट्रस में भी पहुंचेगा लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब तक का रास्ता बंद है, वहां पहुंचेगा ही नहीं, और जब स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होएगा ही नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ऑब्वियस ही बात बेबीज होगी ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है और रिवर्सिबिलिटी भी है, उल्टा किया जा सकता है, दोबारा से जोड़ जाड़ के फिर से एक फीमेल को बेबीज प्रोड्यूस करने के लायक भी बना सकते हैं, ठीक है। इसकी इफेक्टिवनेस ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी की, ठीक है, परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जब तक करवा रखी है तब तक भैया बेबी प्रोड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है। डिसएडवांटेज है, अगर डॉक्टर मान लो ऑपरेशन करते करते चाकू छोड़ दे, स्केलपल छोड़ दे, ब्लेड छोड़ दे, है ना, तौलिया छोड़ दे,
सुने हैं ऐसे केस, सुने होंगे तुम लोगों ने, ऑपरेशन करते करते तौलिया छोड़ दी। ये यहाँ के लिए जैसे पेट वेट के ऑपरेशन कर रहे हैं तो डॉक्टर ने क्या किया, तौलिया छोड़ दी, कभी न्यूज में देखना ठीक है, कभी स्केल्पल जिस चाकू वाकू से उनके पास जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं स्केल्पल वो छोड़ दिया है ना, कभी कुछ छोड़ दिया कभी कुछ छोड़ दिया। तो अगर सर्जरी ढंग से परफॉर्म नहीं की डॉक्टर ने, अनहाइजीनिक तरीके से की, इन्फेक्शन और घाव के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, कुल मिलाकर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बाकी कोई नुकसान है नहीं ठीक है। लेकिन हमारी सरकार आजकल क्या करती है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को बहुत प्रमोट करती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है आज की डेट में हम नंबर वन पे आ चुके हैं वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के लिए स्कीम चला रखी है कि जो लोग गरीब होते हैं उनको ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी फ्री करके करवाते हैं उनकी, और साथ में कुछ पैसे वैसे भी दे देते हैं ठीक है, ताकि लोग आए और करवा लें। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप देखो कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण इलाकों से ही होती है, और ग्रामीण इलाके में होता क्या कि उनके पास पैसे वैसे नहीं होते सब करवाने के, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम्हारे पास पैसे नहीं कोई बात नहीं हम देंगे, लेकिन आओ करवाओ, देखभाल भी हम ही करेंगे 3-4 दिन की, 1-2 दिन की जो भी होती है, ज्यादा दिन की होती नहीं, 1-2 दिन के काम होता है ठीक है। फीमेल्स में थोड़ा सा दिक्कत में होता है, मेल्स में तो कुछ है नहीं, किया और भगा दिया जाओ भागो चलो 2 दिन रेस्ट करना उसके बाद खेलना जो करना वो करवाए, फीमेल्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो गवर्नमेंट पैसे देती है इस चीज के करवाने के और फ्री करती है। तो अब लोग जो है थोड़े से लालच चक्कर में पहुंच जाते हैं, भैया हमारा भी है ना, क्लियर। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, देखो ना बीमारी फैलने के कई तरीके हो सकते हैं, एक इंसान से, एक इंफेक्टेड पर्सन से, बीमार आदमी से हेल्दी पर्सन तक बीमारी फैलने के कई तरीके हैं। वाटर बॉर्न डिजीज होती है जो पानी की वजह से हो जाती है, गंदा पानी पीने की वजह से। एयर बॉर्न डिजीज होती है कि किसी बंदे ने छींका और एक बंदा जब छींकता है ना तो ऐसा कहा जाता है 6 से 8 मीटर तक उसकी छींक की बूंदें गिरती जा सकती, 6 से 8 समझ रहे है ना, इस घर से भी, इस हॉल से बड़ी दूर तक की है ना, 6 से 8 मीटर इतनी दूर उसकी छींक की बूंदें गिरती जाती। तो एक सोचने वाली बात है जब 6 मीटर दूर से एक हेल्दी पर्सन बीमार इंसान आपको बीमार कर सकता है, तो भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब दोनों बॉडीज बहुत क्लोजली जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस ना के बराबर ही होता है, उस टाइम पे बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं कि कम है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। जब वो 6 से 8 मीटर दूर से अनहेल्दी पर्सन आपको बीमार कर सकता है तो यहाँ तो दोनों लोग बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पे बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शंस जो एक हेल्दी पर्सन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में STD। अब तुम्हारे STD बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, और पैरासाइट की वजह से भी हो सकते हैं। तो आपके सिलेबस में ना, आपके सिलेबस में सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेटा गनोरिया और सिफिलिस हो जाती है, इसके बारे में आपको बड़े क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दोनों ही बीमारियों में क्या होता है कि जो मेल फीमेल के जेनिटल एरियाज होते हैं वहां पे ना रेड रेड सी डॉट्स वगैरह बननी शुरू हो जाती हैं, मतलब छोटे छोटे से दाने वाने आने लग जाते हैं जो दर्द वर्द करते हैं ठीक है, और वर्स्ट केस में तो बहुत ज्यादा ये पक पक आ जाते हैं इनमें से, फिर पस पस बाहर आने लगता है, बहुत वर्स्ट केस होता है वो घिनौना सा। फिर वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में वॉट्स, जेनिटल हर्ब्स और हर्पीस और HIV एड्स होते हैं। तो फिलहाल आपको नाम याद रखने हैं क्या होता है, दे विल नॉट आस्क यू ठीक है, सिर्फ आपको नाम याद रखने, बैक्टीरियल के भी दो और वायरल के भी दो। बाकी HIV वो वायरस है जिससे एड्स होता है, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स में क्या होता है ना, किसी भी बंदे की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उसको जरा सी भी खांसी हुई है तो उसकी वो खांसी निमोनिया में बदल सकती है, मरने जैसे हालत हो सकती है, उसके लंग जो है बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं,
जरा सी चोट लग गई तो एक चोट को ठीक होने में 2 से 3 दिन मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं, उसका महीनों महीनों लग जाएगा क्योंकि बॉडी में वो ताकत बची नहीं जो बीमारी लड़ सके, क्योंकि एड्स के वायरस ने आपके पूरे इम्यून सिस्टम को कब्जा लिया। अब बात आती है मेथड्स टू टर्मिनेट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अभी तक तो अच्छा, अब सवाल ये आ रहा है कि सर मैं एसटीडी से बचे कैसे। ठीक है, एसटीडी से बचे कैसे, तो भैया एक ही तरीका है। ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट STDs. और वो है आपके, ठीक है, यही एक इकलौता तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, कॉन्डोम का इस्तेमाल। ठीक है, तो दिस इज द ओनली मेथड विच कैन प्रिवेंट STD। चलो, बाकी अभी तक हमने पीछे पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रेगनेंसी को होने से रोक रहे थे, है ना। मतलब कि किसी, जैसे एक होता है ना प्रिवेंशन, किसी बीमारी, वो बीमारी हमें लगे ही ना, उसका बचाव जिसे कहते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, प्रेगनेंसी के बचाव की, प्रेगनेंसी हो ही नहीं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है और वो अनवांटेड है, अनवांटेड मतलब पर्टिकुलर पेरेंट्स को वो बेबी अभी चाहिए ही नहीं, ठीक है, जिसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी कहते हैं, तो अब वो उसको टर्मिनेट कैसे करें, उस प्रेगनेंसी से छुटकारा कैसे पाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अबॉर्शन। क्या बोलते हैं, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन दो तरीके का होता है, एक तो है अर्ली मेडिकेशन अबॉर्शन मेथड। मतलब इसमें क्या करते हैं ना, इस मेडिसिन में, मतलब इस तरीके में क्या करते हैं कि ना, मेडिसिन दी जाती है फीमेल को, दवाई दे दी जाती है, या तो वो खा सकती है या फिर उसको वजाइना में रख सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फीटस उसके अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है, 7 से 9 हफ्ते तक ये मेथड कारगर होता है। मतलब आप 7 से 9 हफ्ते तक के बच्चे को इस मेथड से अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दवाई दे दी जाती है और वो दवाई खाते ही वो जो फीटस या एम्ब्रियो, सॉरी जो एम्ब्रियो है, वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड चंक्स, बड़े बड़े पीसेस के फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर निकलता रहता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है इस दवाई को खाने के बाद में, ठीक है। अगला मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि सर्जरी करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाता है, ये भी डॉक्टर ही करता है। वो दवाई तो लोग अपने आप ला लेते हैं और खाने लगते हैं, ठीक है, पर वो दवाई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। जब डॉक्टर बोलेगा हाँ भाई यू कैन टेक दिस मेडिसिन, तो ही देनी चाहिए या लेनी चाहिए फीमेल को, अदरवाइज जिससे डॉक्टर नहीं बनना खुद से वो जो दवाई है अबॉर्ट करने की वो नहीं खानी है या नहीं खिलानी है। सर्जिकल मेथड, ये डॉक्टर, ये भी डॉक्टर आगे, ऊपर वाला तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से था, वो दवाई लिख के देगा आपको खानी है, खानी तो आपको ही है, लेकिन सर्जिकल मेथड में डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करता है। तो सर्जरी दो तरीके की होती है, बेसिकली होता क्या है, पहली वाली बता देता हूँ आपको कि इसमें ना सक्शन कप पंप का यूज करते हैं, जैसे 3 इडियट में आपने देखा होगा कि बेबी को बाहर निकालने के लिए करते हैं ना, वैसे ही वो तो एक डेवलप्ड, वो उस बेबी को बाहर निकाल रहे तो पूरा कंप्लीटली डेवलप हो चुका है। हम बात कर रहे हैं उस बेबी की जो छोटी सी स्टेज में है, मतलब 3-4 महीने का, और हमें नहीं चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं कि फीमेल की बॉडी में वो सक्शन वाली मशीन जो है, वैक्यूम वाली मशीन जो है, वो वजाइना के थ्रू लेके जाते हैं उनकी बॉडी में और प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। उस प्रेशर से क्या होता है, जो बेबी छोटा सा था उसके शरीर में, वो छोटे छोटे पीसेस में कट कट के बाहर आने लगता है और वो उसको कलेक्ट करके देते हैं, क्लियर है। इसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड, एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, घिनौना कृत्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन। तो अब प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन में क्या होता है कि ना, इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जनरली डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट वगैरह, ठीक है, वो क्या करता है कि फीमेल की, प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी से ब्लड सैंपल लेता है और ब्लड सैंपल को मशीनों वशीनों में डाल के बेबी का सेक्स बता देता है कि भैया जो माँ के अंदर बच्चा है वो मेल है कि फीमेल, ठीक है।
अब होता क्या था, मैं कुछ स्टेट्स के नाम लेने से बचना चाहता था, मैं बता देता हूँ। जनरली जहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिला, हरियाणा, पंजाब, पंजाब में तो कम था, हरियाणा नंबर 1, यूपी, बिहार, ठीक, और फिर राजस्थान। इन स्टेट्स में क्या होता था ना कि इनकी ना जनरली हरियाणा था स्टेट हमारा नंबर 1 पे, जिसमें जिसका डिक आगे सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। रीजन क्या था, फीमेल की साइड। तो ये लोग करते क्या थे ना, डॉक्टर को घूस देकर या जैसे तैसे, पहले तो लीगल जब था तो डॉक्टर से जाके पता करते थे, भैया ये बता दो कि लड़का है कि लड़की है, तो डॉक्टर बता देता था लड़की है। तो वही 5,000 पता करने के और 10,000 दे दिए, बोला भाई इसको खत्म कर दो, लड़की हमें नहीं चाहिए। और वो क्या करते थे कि जैसे ही पहले उन्होंने पता कर लिया प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन से, ठीक है, कि लड़का है कि लड़की है, जैसे ही लड़की निकलती थी उसको मरवा देते थे, अबॉर्ट करवा देते थे, ठीक है। तो इसको बोलते थे फीमेल फेटिसाइड, समझ में आ गई, फीमेल फेटिसाइड। पहले सेक्स डिटरमाइन किया कि फीमेल है और उसके बाद उसको अबॉर्ट करवा दिया, मरवा दिया, फीमेल फेटिसाइड कहलाती थी, ठीक है। और फिर हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान के लोगों ने इसका तो भाई इतना मिसयूज किया, भर भर के मिसयूज किया फीमेल फेटिसाइड के लिए। एक टाइम ऐसा आया कि भैया जो सेक्स रेशियो था चरमरा गया था, बैंड बज गई सेक्स रेशियो की। और फिर इन स्टेट के लड़कों की ना शादी होने के लिए नौबत लग गई, लड़कों की शादी नहीं होती थी यहाँ पे। फिर भैया ये लोग धरने पे आ गए हैं, तब जाके फिर सरकार की आंखें खोली, सरकार को पता तो सब था लेकिन तब आंखें खोली। फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि जो है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कानूनी जुर्म, अब करोगे जेल जाओगे। डॉक्टर को बोल दिया तूने किया तो तू जेल जाएगा और जिसने करवाया वो भी जेल जाएगा। या तुम्हारे पास कोई भटकता हुआ आए और कह दे कि भैया बता दो लड़का है कि लड़की है, तो बोला बता दो, फोन करो, अभी इसको लट बजाते हैं इसके, ठीक है ना। और डॉक्टर को भी बोल दिया और हमें पता चल गया कि भाई तुमने किया तो तुम्हारा अस्पताल अस्पताल सब बंद कर देंगे, लाइसेंस बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है, कानून बना दिया। तो अब लोग जो है थोड़ा सा सजग हो गए, सजग हो गए, अब जो है क्या बोलते हैं चीजें कम होती हैं। तो अब धीरे धीरे हरियाणा का भी सेक्स रेशियो जो एक टाइम तो ऐसा आया था, मैंने सुना 670 कुछ आ गया था, 600 से नीचे ही गया था इनफैक्ट, अब जो है वो 800 समथिंग में आ चुका है, मतलब एक ठीक है, एक अच्छा ठीक ठाक कहेंगे वहां तक आया। सेम यूपी बिहार का भी सेम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल सेक्स रेशियो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वली होनी चाहिए, 1,000 मेल्स पे 1,000 फीमेल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको केरला में देखने को मिलेगा, वहां पे 1,000 आदमियों पे कम से कम 1,100 लड़कियां, ठीक है। और हरियाणा में उल्टा है, 1,000 जो है 1,000 आदमियों पे 840 या 830 लड़कियां हैं, मतलब 170 लड़के जो हैं उनकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ रेट, बच्चों का, हेल्दी बच्चों का पैदा होना, और जो डेथ रेट है उसकी पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करता है। अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई होगा डेथ रेट से तो वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसा कि इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर डेथ रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, अगर डेथ रेट बहुत ज्यादा होगा तो वहां की पॉपुलेशन बहुत कम होगी, जैसा इटली में देखने को मिलता है आजकल, धीरे धीरे इटली की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, क्यों, वहां पे लोग बुजुर्ग ज्यादा हो चुके हैं। जापान में डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, जापान की आबादी घटती चली जा रही है, ठीक है। तो अब भैया एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जिस तरीके से जनसंख्या फट रही है ना, बढ़ रही है, फट ही रही है, मान लो इंडियंस का तो है भाई, हर साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है हमारे यहाँ, ऑस्ट्रेलिया के बराबर की पॉपुलेशन हर साल जो है हमारे यहाँ, इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं हर साल, एक ऑस्ट्रेलिया बना के तैयार करते हैं। तो कह रहा है कि जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई आबादी है, वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में बहुत दिक्कत दे रही है। अब बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं पा रहा है, और यही पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी की वजह से हम पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह रहे हैं, मतलब हमारा जो
रहने का तरीका है बहुत गलत है। अब तुम ऐसे समझ लो इस टॉपिक इस चीज को कि भाई एक घर में उसके 10 बच्चे हैं और कमाने वाला अकेला 20-22 हजार मुश्किल से कमाता है। जिसके 10 है मतलब तुम ऐसे समझ लो जिसके 10 बच्चे हैं तो इंडिया में मेन रीजन यही है वो 10-11 हजार ही कमाता होगा अकेला का। अब वो 10 हजार कमाने वाला बंदा 10-11 बच्चे हैं उसके, उनको कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पढ़ाएगा, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप घट जाएगा, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, 11 हजार कमा रहा है, 10 हजार कमा रहा है, 15-16 हजार का फ्लैट या मकान तो किराए पे ले नहीं सकता है, छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में रहने को बेचारा मजबूर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो इतने बच्चों को क्या खिला पाएगा, ना कपड़े ढंग के दे सकता है, ना ढंग की एजुकेशन दे सकता है ना। तो ये बढ़ती हुई आबादी हमारे देश के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक है। नौकरियां नहीं मिलेंगी आगे चल के, जैसा कि देखने को मिलता है कि भाई देश में नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, कहाँ से इतने लोगों के लिए नौकरी बनाई, सोचने वाली बात है। तो इन सभी समस्याओं का एक ही इलाज है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला लो, अपने आप सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर जिसको खत्म करने में हमें बहुत लंबा टाइम लगा, पर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।